नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वक्त है रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का, और आज जो रिक्वेस्ट हमने ली है वो है जीके की, यानी गौरव की। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं महानगर वेब सीरीज़ का रिव्यू करूं, तो इस वीडियो में मैं वही रिव्यू करूंगा। दोस्तों, महानगर वेब सीरीज़ है बांग्लादेश की, बांग्ला भाषा की, होई छोई पे ये आई थी, लेकिन हिंदी में आप इसको MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं। इसके क्रिएटर, राइटर, डायरेक्टर हैं अशफाक निपुण। दोस्तों, यहाँ कहानी है ढाका की, कुछ किरदारों की, उनकी परिस्थितियों की, और केवल एक रात की। और इनमें से एक किरदार है अबीर का। अबीर किसी पार्टी में गया था अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में पुलिस ने उसे उठा लिया, और फिर बाद में उसको फ्रेम करने की भी कोशिश की गई। जो दूसरा कैरेक्टर है वो है अफनान चौधरी का। ये एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, थोड़ा सा बदमिजाज है, और एक हिट एंड रन के केस में उसे थाने लाया गया है। हालांकि उसका कहना है कि ये हिट एंड रन का केस नहीं है, एक्सीडेंट का एक सिंपल केस है। जो तीसरा किरदार है वो है हारून का। कोतवाली थाने के ये OC यानी अफसर इंचार्ज हैं। ये बहुत ही करप्ट पुलिस अफसर हैं, मैनिपुलेटिव हैं, और किसी के मिसफॉर्च्यून को अपने फॉर्च्यून में बदलने की कला वो जानते हैं। यानी कि वो जानते हैं कि मुसीबत में पड़े हुए लोगों से कैसे पैसा बनाया जाए, किस तरह के तिकड़म अपनाया जाए जिससे ज़्यादा पैसा वो बना सके। और दोस्तों, एक और करेक्टर है वो है मलय का। ये हारून का जूनियर है, पुलिस अफसर है, ईमानदार है, और उससे भी बड़ी बात कि ये एक अच्छा आदमी भी है। कुछ और किरदार आपको दिखते हैं और उन्हीं की कहानी इस सीरीज़ में दिखाई गई है। दोस्तों, सीरीज़ की कहानी अच्छी है, अच्छे ढंग से लिखी हुई है। यहाँ आपको सिस्टम में और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट करप्शन बहुत अच्छे से नज़र आता है। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए सिस्टम को तोड़ते मरोड़ते हैं, पैसा दे करके वो कुछ भी करने और करवाने की ताकत रखते हैं। और पुलिस की छवि को लेकर भी बात यहाँ दिखती है। पुलिस को अभी भी लोग फ्रेंडली नहीं मानते हैं, पुलिस के नाम से खौफ खाते हैं। किसी को यदि कहा जाए कि आप थाने आइए तो उसे लगता है कि वो अब किसी झमेले में पड़ने वाला है, और थाने आने से, पुलिस के सामने आने से लोग बचते रहते हैं। इसके लिए भले ही उनको कुछ भी करना पड़े, इसके लिए कोई ऐसा कदम भी उठाना पड़े जो मानवता के हिसाब से या फिर रिश्तों के हिसाब से अच्छा ना हो। तो दोस्तों, ये सीरीज है 8 एपिसोड की, और 1 से लेकर के 5 एपिसोड में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कहानी एस्टैब्लिश होती है, कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, नई नई बातें हमारे सामने आती हैं। ये देखना अच्छा लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी स्लो है, रिपीटेटिव है, और ड्रैग्ड भी लगता है। फिर 6 से लेकर के 8 एपिसोड तक कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है, बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न आते हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, और देखना ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंगेजिंग है। हालांकि कहानी कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल भी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं और ग्रेजुअली ये कहानी आगे बढ़ती है, ये देखना मुझे अच्छा लगा। और कहानी का जो अंत है वो अलग ही नोट पर जाकर के होता है। अंत में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग थी, और एक व्यूअर के तौर पर ये देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी दोस्तों, पहला ये सीज़न आया है, 8 एपिसोड इसमें आए हैं, लेकिन दूसरे सीजन की ओर भी इशारा कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ कई किरदार आपको दिखते हैं, किरदार अच्छे हैं, मजबूती से पेश किए गए हैं। ये किरदार थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और इनकी साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश की गई है।
इसके अलावा डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं। यहाँ जो हारून का किरदार है वो बार बार बोलता है कि दो बातें याद रखना, कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो बोलता है दो बातें याद रखना। और इनकी जो दो बातें हैं उसमें रियलिटी भी है, उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें सटायर भी है। तो ये वाला जो पार्ट था ये भी मुझे अच्छा लगा। एक मैं डायलॉग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक वक्त आता है जब हारून कहते हैं कि दो बातें याद रखना। पहली बात ये है कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन जब सब लोग झूठ बोलें तो वही अच्छा हो जाता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ये सीरीज आपको अच्छी दिखती है। हारून के किरदार में है यहाँ मोशारफ, और ये इस सीरीज के शो स्टॉपर हैं। जब भी स्क्रीन पर ये दिखते हैं इनको देखना अच्छा लगा है। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अपने किरदार को निभाया है। मले की भूमिका में दिखते हैं मुस्ताफिजुर नूर इमाम, अफनान की भूमिका में है शामोल मावला, अबीर की भूमिका में है खैरुल बशर। इसके अलावा जाकिया बारी मामू, रुबीना जहान भी अलग अलग किरदारों में दिखती हैं, और सब ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है। बैकग्राउंड स्कोर यहाँ बहुत ही अच्छा है, और जिस तरह से तबले का इस्तेमाल किया गया है वो वाला जो पीस है मुझे काफ़ी आकर्षक लगा। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं शेकी कैमरा भी दिखता है, और एडिटिंग की यहाँ काफ़ी गुंजाइश थी। एडिटिंग को शार्प किए जाने की ज़रूरत थी। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, 8 एपिसोड आए हैं पहले सीजन में, 20 से 25 मिनट तक के एपिसोड हैं। आमतौर पर साफ सुथरी ये सीरीज़ है, लेकिन कहीं कहीं एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, और इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट। यदि आप चाहते हैं कि आपके रिक्वेस्ट पर मैं किसी सीरीज़ या मूवी का रिव्यू करूं, तो आप वो रिक्वेस्ट कमेंट में जाकर के कर सकते हैं, कमेंट में जाकर के आप लिख सकते हैं। दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने ये सीरीज़ पहले देख रखी है तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर ही कीजिएगा। धन्यवाद।